अरे यहीं पे आग लग गया, तुम यहीं इसी घर में रहोगे ना, भागोगे? बोलिए, भागने के पापा कहते हैं। इस दुनिया भी एक आग का दुनिया है, भागना चाहिए। कैसे भागोगे? कर्म फल तो खींच के लेके आएगा। कर्म फल को जलाओगे कैसे? जला के राख करना चाहिए। कैसे जलाओगे? नाम से, भगवान का नाम से। कौन बोला? कौन? भगवान का नाम से सारी कर्म फल, बुरा कर्म फल सब जला के राख हो जाएगा। कौन बोला? पद्म पुराण बोला। पुराण नाम सुना? पद्म पुराण नाम सुना? क्या बोला पद्म पुराण? पद्म पुराण बोला, ऐसा बोला, वर्तमानस्य अभी यत पापं, चलते फिरते घूमते कितना चीटी को, कितना कीड़ा को, कीड़ा मकड़ा का पैर में पीस के जा रहा, पानी पीने का टाइम अंदर में पानी, पानी पानी का अंदर में तो बहुत कुछ जीव्ध है तो पी रहा, फल के साथ कितना कीड़ा मेड़ा कीड़ा मकड़ा है वो तो पी रहा, चिबा के खा रहा, फल भी जीव है खा रहा, वो तो मैंने जीवत्ता में दोष होता कि नहीं, पाप होता कि नहीं? तो जीवत्ता करने से पाप होता है, इस पूरा जब पाप तो हो रहा, वर्तमानस्य यत पापं। जिंदगी को चलाने के लिए इंसान के क्या ना करते पड़ते। देखो ना, आप सबको जिंदगी चलाने के लिए हिंदुस्तान को भगा के ऑस्ट्रेलिया में लेके आया। हम ऐसा भी देखा, यूएस में देखा, ग्रीन कार्ड लेने के लिए हिंदुस्तान का लड़की बूढ़े के साथ शादी भी किया। तो सोच रहा, हम पूछा, तुम्हारा तो पति है, पति तो है? हाँ। ऐसे क्यों किया? बोला हम डिवोर्स लिया। कैसे? ग्रीन कार्ड के लिए, इसलिए शादी किया था। हम सोच रहा था, जिंदगी चलाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है। सोचने का बात नहीं, हंसने का बात है। तो देखो, वर्तमानश्च यत पापं, जो पाप हम अनजान में कर रहा, यद भूतम, पीछे जो करके आया सब इतना पाप, अभी और अतीत जितना तो पीछे किया, यद भविष्यति, पीछे जो पाप कर्म किया, पाप कर्म का फल, अभी जो पाप कर्म बन रहा, दोनों का फल मिला के जो आगे जाकर के जो हमको पाप कराने के लिए जो कर्म फंसाने जा रहा, तत् सर्वं, सारी पाप कर्म का निर्दय हत्याशु पर जाड़ उखाड़ के फेंकवा देगा। पाप कर्म का जो जाड़ है, जाड़ उखाड़ के फेंकवा देगा। कैसे? गोविंद नर्मला कीर्तनाथ, भगवान का नाम। ये हमारा बात नहीं, पुराण का बात है। देखो, बहुत पाप किया, प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करने के लिए हमन हो रहा, वो तो पाप कर्म पाप दोष तो चला जाएगा, लेकिन पाप का जाड़ तो अभी भी है। तुम जियोगे तो फिर से करोगे, लेकिन भगवान का नाम लेने से पाप करने का जो जड़ है ना, वो जड़ को उखाड़ के जला के राख कर देता। इसलिए इस कलियुग का धर्म ही है नाम संकीर्तन। कलियुग का धर्म नाम संकीर्तन। इसलिए भगवान
कली युग में चैतन्य महाप्रभु रूप ने का गाया। भगवान इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर गाया, इसलिए देखो हरे कृष्ण महामंत्र आखिर में जाकर क्या बोल रहा था, निताई गौर हरि बोल हरि बोल। तो निताई गौर है कौन, गौरांगो कृष्ण इस कली युग में आया गौरांगो रूप चैतन्य महाप्रभु, और बलराम जो कृष्ण का स्वरूप शक्ति बलराम, एक ही कृष्ण और एक शरीर लिया बलराम, तो बलराम आया नित्यानंद को रूप लेकर, दोनों मिल के कली युग हम सबको उद्धार करने के लिए ये नाम को प्रचार किया। दोनों मिल के देखो ये नाम आसानी से हो सकता था, हम तो इसीलिए सब बच्चे को बोला तुम करो तीन बार करते सब तो किया, तो क्यों जैसे भी हो एक बार तो किया, एक बार करने का फल तो सुना। हाँ देखो एक साथ में मिल के नाम करने का फल क्या, एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। एक व्यापार आम का बगीचा में जा करके, आम का बगीचा में तो बहुत प्रकार आम है, कच्चा है पक्का आम है, पक्का आम का भाव ज्यादा है ना पक्का का भाव ज्यादा, पक्के का भाव ज्यादा, तो पक्के का ज्यादा भाव, लेकिन व्यापार तो जा करके एक एक भाव देता पूरा बगीचा जो बगीचा को ले ले ना क्या। तो यहीं पे जो एक साथ में मिल के जब प्रणाम करोगे तो एक तो है तो पक्का, मतलब जो बहुत दिन मिल में बहुत दिन हो गया नाम करते करते पक गया, मतलब उनका एडवांस डिवोसी हो गया, भक्त तो आगे चला गया, और हम सब नया नया शुरुआत किया और कच्चा है, लेकिन एक साथ में मिल के नाम करोगे तो भगवान का कृपा बराबर सबको मिलेगा। तो एक साथ में मिल के नाम करना फल अच्छा है कि बुरा है, अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपका भी हमारा मिनती है महीना में एक बार सबको बुला के इस प्रकार नाम करना, मैं आया कि नहीं आया तो कोई सोच मान, लेकिन जो भी हो सबको आपका अपना जितना रिश्तेदार है सबको बुला के नाम करना, सबका अच्छा चाहिए, सबका उद्धार करना चाहिए, तो तुम्हारा विचार सबका उद्धार करना है तो सबको निमंत्रण दो, सबका घर में होना चाहिए, मंदिर में जाने से बाद ही करूंगा इस प्रकार विचार में, अरे असली मंदिर तो हमारा दिल पर है, हमारा परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार मंदिर में, हमारा जो आश्रम है चैतन्य मठ जो आदि मठ है ना, आदि मठ मतलब जो हमारा जहां तक शुरुआत हुआ चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट शुरुआत हुआ वो जो मंदिर है उसी मंदिर में है, और एक लोग जा करके बोला प्रभुपाद आप ऐसी इस तरीका से भगवान का नाम प्रचार में सबको लगा दिया, आपका शिष्य को लगा दिया, लगता है कि ये सब गांव गांव में गौड़ीय मठ बन जाएगा गांव गांव में। तो प्रभुपाद बोला कि ये तो तू छोटा कर दिया हमारा विचार, गांव गांव में गौड़ीय मठ बन जाएगा ये तो छोटा कर दिया हमारा विचार, सबका दिल में मठ बनाना, मंदिर सबका दिल में बनाना चाहिए तो हमारा गौड़ीय मठ चलेगा। तो सबका दिल में मंदिर बनाने के लिए मतलब भगवान का चाहिए, तो भगवान का
बैठाने के लिए दिल पर, तो साफ सुथरा होना चाहिए। दिल को साफ सुथरा करने का मौका क्या, मैंने कैसे कर सकते तुम? तो झाड़ू तो नहीं, हाँ मुख से झाड़ू घुसा के लगा देगा तो होगा नहीं। कोई तो दवाई नहीं, जाओ फार्मेसी में जाओ दवाई खा लो साफ सुथरा हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन है क्या है, चैतन्य महाप्रभु भगवान बता दिया, दिल को साफ करने, दिल एक क्या होता ना, शीशा होता। शीशा गंदा हो गया तो हमारा अपना मुख देख नहीं सकता, मतलब क्या ना अपना मुख देख नहीं सकता, मतलब क्या ना हमारा गलतियां हम सोच नहीं सकते, देख नहीं सकता, विचार कर नहीं सकता। जब जब दिल गंदा है ना, देखो ना कितना लोग तरकल में आने लगे, ना मैं ठीक किया, मैं ठीक किया, मैं ठीक किया, ऐसे विचार है ना। जितना जिनको दिल जितना गंदा है उनका वो उतना ही तर्क करेगा। अभी तर्क करने का कहीं समय नहीं, अभी सोचने का समय है। तो इसलिए दिल को साफ सुथरा करने के लिए, हम सबको समझाने के लिए, दिल होता क्या, चित्त होता क्या, तो पहला श्लोक लिखा है इस प्रकार, चित्तो दर्पण मार्जन अभव महा दावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। बोलिए, विद्या बोध जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। देखो, चेतो दर्पण मार्जन भवो मोहा दावाग्नि निर्वापनम, मतलब क्या, ये दिल को साफ कर लो, शीशा को साफ कर लो, अपना गलतियां देख सकता, गलतियां को सुधार सकता, अपने आप सुधार सकता। लेकिन गलतियां तुम्हारा जो है सुधार नहीं सीखोगे तो तड़प तड़प कर, मैंने इस बार भवो महादावाग्नि निर्वाप, अरे दुनिया देखोगे कि दावाग्नि जंगल का आग। इसलिए बोल रहा इस दुनिया ऐसा है, लगता है कि तो हिरण दो जंगल का बीच में है, इनका पीछे सागर है, और सामने में खड़ा है शिकारी, खड़ा हो गया धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, तो हिरण का कोई जान को बचाने कोई मौका है क्या? जंगल में घुस गया तो जल जाएगा शरीर, आग मर जाएगा, पीछे सागर है, कितना दिक्कत है। और ये तो शिकारी खड़ा है, मरेगा, मरने की खड़ा हो गया तो क्या किया? ऐसा देखोगे तो कुछ भी नहीं, उपाय नहीं, सब मरने पड़ेगा। हमारे भी ऐसा ही हाल है, एक चाहिदा चला गया, एक जो डिमांड है वो चला गया तो और एक डिमांड आ गया, और दो डिमांड आ गया। जो दावाग्नि जंगल का आग हम देखा, कनाडा में देखा, 40 जंगल में आग लग गया, धुआं इतना तेज हुआ, नेक्स्ट ब्लॉक कहां पे है दिखाई नहीं दे रहा, और धुआं का वजह से हमारा दिल पर पीड़ा शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा खून भी आ गया। तो हम देखे जो हमको लेके गया था, प्रभु जी आप तो 5 दिन की कथा करने के लिए हमको लेके आया, लेकिन ऐसा होने से हम कैसे रहा। एक क्लास दिया हम, उसके बाद बोला
महाराज जी आप जाइए यहीं से, आप यहीं पे इतना धुआं में रह नहीं सकता। वो केट केट बीमार बोला, पता नहीं हवाई में भी है एक ना भल्कान है ना, भल्काना का भाव और धुआं बहुत खतरनाक जहर मापी था। भाव एक बार घुस गया तो शरीर में तुम्हारा खून निकाल देगा। जो भी हो तो ऐसा ही तो हमको हम भगभक्का आने पड़ा। तो दावानल हमारा आज चाहिदा, हमारा डिमांड देखो ना, आज ये चाहिए काल वो चाहिए तो परसों मैंने तो जाते नहीं। लेकिन जिनको प्राप्त होने से बाद, जिनका दुनिया में आने से बाद, जो भगवान दुनिया से आने से बाद सब चाहिदा चला जाएगा। भगवान कैसे, भगवान को कैसे तुम निमंत्रण देगा? निमंत्रण दिया लेकिन दिल गंदा है तो होगा? दिल गंदा है तो भगवान भाग के चला जाए? दिल गंदा है तो भगवान भाग के चला जाएगा? इसलिए दिल को साफ करने के लिए बोला श्री कृष्ण संकीर्तनम।